असद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। लंबे वक्त से असद की तलाश की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में असद गोलियां चलाता हुआ उमेशपाल पर दिखाई दे रहा था। अब अतीक के बेटे असद पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की। लंबे वक्त से तलाश थी इस मुख्य आरोपी की और अतीक के बेटे असद का अब यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या डिटेल्स मिल रही है इस एनकाउंटर के बारे में? कहां यह एनकाउंटर हुआ है, कब हुआ है? बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। खबर यह है आज तक पर सबसे पहले कि जो अतीक का बेटा है असद और जो दूसरा शूटर था गुलाम, उसको झांसी में यूपीएसटीएफ ने मार गिराया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में दोनों ही फरार चल रहे थे। दिल्ली में लोकेशन मिली थी, अजमेर में लोकेशन मिली थी, उसके बाद से ही लगातार यूपीएसटीएफ की कई टीमें उसका पीछा कर रही थी। लेकिन अभी अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक झांसी में लोकेट किया गया था और पुलिस ने उनको घेरा। उसी दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें जो जानकारी मिली है कि असद और गुलाम दोनों को इनकाउंटर में मार गिराया यूपीएसटी अपने। तो अपने आप में बड़ी खबर है। जिस तरह से पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे उमेश पाल हत्याकांड में, असद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें वो गोलियां चलाता हुआ दिख रहा था, जबकि दूसरा जो शूटर था गुलाम वो भी गोलियां चलाता हुआ दिखाई दिया था। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपीएसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और जो दूसरा शूटर था गुलाम उसको मार गिराया है। इनकाउंटर हुआ है यूपीएसटीएफ के बीच। बकायदा 5 लाख का इनाम था उसके ऊपर। अब तक ये सबसे बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को इनकाउंटर में यूपीएसटीएफ ने झांसी में ढेर कर लिया है। नया लगातार दोनों ही प्रयागराज में बकायदा जब उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद फरार चल रहे थे, उसके बाद यूपीएसटीएफ की कई टीमें लगी थी। पहले दिल्ली में लोकेट किया गया था, वहां से वो फरार हो गया था और आज ही सुबह आज तक ने बताया था कि जब वो फरार चल रहा था दिल्ली में तो उनके पास हथियार भी मौजूद थे। और जब झांसी में घेरा गया तो एसटीएफ की सूत्र बता रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई, असद की तरफ से फायरिंग हुई, गुलाम की तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद यूपीएसटीएफ ने घेरा और दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। यूपीएसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें जो असद और गुलाम जिस पर 5 लाख रुपए का यूपीएसटीएफ ने इनाम रखा था यूपी पुलिस ने, उन दोनों को झांसी में मार गिराया गया है और सफोस्टिकेटेड वेपन वो भी रिकवर किए गए हैं। क्योंकि आज तक ने आपको बता दूं सुबह ही ये खबर बताई थी कि जब दिल्ली में असद और गुलाम मौजूद थे तो उनके पास हथियार मौजूद थे और यहाँ रिकवरी भी दिखाई है। झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है उमेश पाल हत्याकांड। आपको रोकेंगे, यहाँ एसटीएफ के एटीजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। इस एनकाउंटर की डिटेल्स जानना चाहेंगे, कहाँ पर यह एनकाउंटर हुआ है, कितने बजे हुआ है, कैसे आपने दोनों को लोकेट किया और कब हुई है ये कार्रवाई? ये इनकाउंटर अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। अभी खबर आई है कि असद और असद पुत्र अतीक और गुलाम पुत्र मकसूदन ये दोनों उमेश पाल मर्डर में प्रयागराज के केस में वांछित थे। दोनों पर उत्तर प्रदेश शासन से 5-5 लाख का इनाम घोषित था। इनको एक यूपीएसटीएफ टीम से इनकाउंटर हुआ है। ये यूपीएसटीएफ की टीम डिप्टी एसपी विमल और डिप्टी एसपी नवेंदु लीड कर रहे थे। झांसी में ये घटना हुई है। इन दोनों से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड आर्म्स भी रिकवर हुए हैं। बाकी डिटेल्स हम वेट कर रहे हैं, डिटेल्स टीम से प्राप्त होते ही हम आपको अवगत कराएंगे। अमिताभ जी, जब ये एनकाउंटर हुआ क्या इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई और क्योंकि जवाबी फायरिंग हुई इसीलिए एनकाउंटर करना पड़ा? जी हाँ, ये तो पुलिस का एसओपी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपराधी को जिंदा पकड़ें, लेकिन ये जो क्रिमिनल्स थे इनके करतूत आप पहले भी सीसीटीवी फुटेजेस में देख चुके हैं, किस तरह के ये शूटर्स हैं और इनके पास पहले से हमें मालूम था कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स हैं। पुलिस एसटीएफ की टीम द्वारा चैलेंज करते ही इन्होंने टीम पर फायर किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ये मारे गए। सर, किस तरीके के वेपन्स इनके पास से बरामद हुए हैं और लोकेशन इनकी कैसे ट्रेस हुई, क्योंकि इनके पास नए सिम कार्ड और नए फोन मौजूद थे? इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले हैं। अभी डिटेल्स अवेटेड हैं, थोड़ी देर में डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही डिटेल्स प्राप्त होते हैं मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सर, लोकेशन कैसे ट्रेस हुई सर इनकी? ये झांसी में ही है, ये कैसे मालूम चला?
ये जानकारी एसटीएफ टीम इनको लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी और आज थोड़ी देर पहले ही इनको झांसी में ट्रैक कर लिया और जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सर, कैसी रणनीति बनाई थी, क्योंकि लंबा वक्त हो गया जब से ये फरार चल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि देश से बाहर भी हो सकते हैं। पिछले 1.5 महीने से हमारी टीम्स लगातार इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, कई बार काफी करीब पहुंची, एक बार गुड्डू मुस्लिम सिर्फ 5 मिनट से हमसे मिस हो गया था। तो ये लगातार हम कोशिश कर रहे थे और आज सफलता मिल गई। इनके साथ कोई और भी मौजूद था सर, या ये दोनों ही इन्हीं का इनकाउंटर हुआ है, और भी कोई इनके साथ था? मैं आपको डिटेल्स टीम से पूरी जानकारी करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी ये घटना हुई है और टीम से हमारी बात नहीं हुई है।